राम राम दोस्तों। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डाइस। दोस्तों डाइस में कल अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज जो अपन करने वाले हैं वो करने वाले हैं ओपन डाइस, यानी कि प्रसारित पासा। कि एक तो जो मैंने दिखाया था बंद पासा, तो बंद पासे में क्या होता था कि तीन सतह दिखाई देती थी। कोई भी पासा हो उसके ऊपर किसी कोने से देखेंगे तो कितनी सतह दिखाई देंगी, तीन सतह। आज अपन जो देखने वाले हैं ओपन डाइस, उसमें क्या होता है देखो, उसमें जो भी पासा है डाइस है उसकी कितनी सतह दिखाई देंगी, छह की छह सतह दिखाई देंगी। जैसे ये डाइस कितनी सतह सतह दिखाई दे रही है, एक दो तीन चार पांच और छह। ये क्या है, प्रसारित पासा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि ये पासा दे दिया और इसमें पूछ लिया कि तीन के अपोजिट नंबर क्या है, दो के अपोजिट नंबर क्या है, चार के अपोजिट नंबर क्या है, वो कैसे याद करते हैं, वो अपने को सीखना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे पांच क्वेश्चन पहले से लिखे रखे हुए हैं। अपन पांच क्वेश्चन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं कि कैसे कैसे निकालते हैं। देखो उसमें भी यही होता था कि अब देखो इसको एक बार आप ना वापस से वही पासा बना के देखो, इसको क्लोज डाइस बना के देखो तो ये कैसा दिखेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, अपन अगे वो भी क्वेश्चंस करेंगे कि अपने को ओपन डाइस दे दिया, उसके बाद चार ऑप्शन दिए अपने क्लोज डाइस के कि इनमें से कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता। तो वो बनाने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जैसे दो है तो दो के अपोजिट नंबर कौन सा होगा। तो देखो इसमें कैसे पता करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले दो पकड़ना है, दो का अपोजिट नंबर होगा इसके आगे वाले को छोड़ के सेकंड नंबर वाला, यानी दो के अपोजिट नंबर कौन सा हो गया, छह। चार है, चार का अपोजिट नंबर भी वैसे निकाला, तो चार का अपोजिट नंबर क्या हो गया, एक। अब बच गया क्या, देखो एक तो तीन बच गया और एक क्या बच गया, पांच बच गया। यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देखो अगर मैं बात करूं आपको सॉरी दो के अपोजिट की, तो दो का जो विपरीत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, छह हो जाएगा। दो का विपरीत क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। अब दो का विपरीत छह हो गया तो चार का विपरीत क्या हो जाएगा, चार का विपरीत हो जाएगा एक, और बच गया पांच, तो पांच का विपरीत क्या हो जाएगा, एक एक बचा तीन। मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं कि छह का विपरीत क्या है, दो, एक का विपरीत क्या है, चार, और तीन का विपरीत क्या है, पांच। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, अपोजिट अंक है। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, सेम पैटर्न हमें इस पे भी अप्लाई करना है। एक के लिए देख रहा है तो एक का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, इसके अगले वाले को छोड़ के उससे अगले वाले, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर वाला। अब मैं बात करूं एक के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा, तीन नंबर। अब मैं बात करूं दो की, तो दो के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, चार नंबर। दो के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, चार नंबर। अब क्या बच गया, पांच और छह, तो ये तो दोनों अपने एक दूसरे के अपोजिट हो ही जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों। ये देखो सिर्फ कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये वाला अपने को पकड़ना है, इसके बाद में अगला वाला तो छोड़ देना, उससे अगले वाला क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब जब इसको अपन इस टाइप के पासे में बदलेंगे ना, इस टाइप के पासे में बदलेंगे ना, तो ये क्लोज डाइस में जब ये बंद पासे में बदलेंगे, तो अगर यहाँ पे एक लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब इसमें अब तीन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा, क्योंकि अपोजिट नंबर तो दिखाई देती नहीं है, तो इसमें अब तीन नहीं आएगा। मतलब यहाँ एक आ गया, इसका मतलब तीन नहीं आ सकता। अब सपोज यहाँ पे आ गया दो, दो आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, चार नहीं आ सकता। अब पांच या छह ही आ सकता है, मान लो यहाँ पे पांच आ गया तो अब क्या नहीं आ सकता, यहाँ पे छह नहीं आ सकता। समझ में आ गया, इसीलिए अपोजिट नंबर क्या है अपने को याद करना है। अब देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चलो आगे वाला करते हैं, इस वाले का देखते हैं, सेम पैटर्न इस पे भी अप्लाई करना है। एक का विपरीत क्या हो जाएगा, पांच। एक का विपरीत क्या हो गया, पांच हो गया। अब देखो ये तीन का था, अब इसका विपरीत तो इसके आगे है नहीं, तो इसका विपरीत देखते हैं अपन फिर, दो का, तो दो का विपरीत कितना हो गया, छह। अब बच गया कौन सा, तीन और पांच, तो अब तीन का सॉरी तीन और कौन सा, चार, तो तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। समझ में आ गया, दोबारा समझा देता हूँ। जब दोनों अलग अलग ऐसी स्थितियां दी हुई हो तो सबसे पहले बीच वाले को छोड़ देना, ऊपर और नीचे वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले का निकालते हैं उसके आगे वाला छोड़ देते हैं, सेकंड नंबर का लेते हैं, तो एक के विपरीत कितना हो गया, पांच। फिर बचा इधर वाला, तीन है तो इधर वाला ले लेते हैं, दो के विपरीत क्या हो गया, छह हो गया, और तीन के विपरीत कितना हो गया, चार हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। चलो अपन ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या दिया, उसमें तो नंबर दिए थे, इसमें क्या है, अल्फाबेट्स दिए हैं। सोल अपने को वैसे ही करना है, एफ को पकड़ा आगे वाला छोड़ के सेकंड नंबर वाला, यानी एफ के विपरीत की मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं ई की, इसकी बात कर रहा हूं ई की,
तो ई के विपरीत क्या हो जाएगा भाई? इस वाले को तो छोड़ देना है, बी को तो, क्योंकि बी को तो ऑलरेडी आ गया। अब कौन सा हो गया ई के विपरीत, कौन सा हो गया? सी हो गया। अब ए और डी बचा, यानी ए और क्या हो गया, डी विपरीत हो गए। समझ में आ गया? वही मतलब कि तो इसको क्लोज डाइस बनाएंगे ना अपन, आगे उसी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे जो अपना लास्ट होगा, मतलब ये जो पैटर्न है वो सेकंड लास्ट है। ठीक है, ये समझ में आया? अल्फाबेट्स दिए हो चाहे नंबर दिए हो, एफ को पकड़ा है तो उससे आगे वाले को छोड़ के सेकंड नंबर वाला, तो एफ के विपरीत कौन सा हो जाएगा बी, या बी के विपरीत कौन सा हो जाएगा ए। पर बात करें ई की, तो ई के विपरीत क्या हो जाएगा भाई? उसके आगे वाले बी को तो छोड़ दिया, ये वाला देना है। यहाँ पे क्या है, सी। तो बी ई के विपरीत क्या हो गया, सी, और सी के विपरीत क्या हो गया, ई। अब बात करें अपन, ए और डी दो बच गए थे, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो देखो ये भी सेम पैटर्न है। अपने को क्या करना है, एक का निकालना, एक के विपरीत क्या होगा, तीन होगा भाई। ये वाला छोड़ दिया और ये वाला ले लिया, तो एक के विपरीत कितना हो गया, तीन हो गया। मैं बात करूं दो की, दो के विपरीत क्या हो जाएगा, अब इसके आगे वाला छोड़ दिया, तो तीन तो ऑलरेडी अभी क्या वैसे भी नहीं आ सकता। अब कौन सा बच गया, दो के विपरीत कौन सा बच गया अपना, दो के विपरीत बच गया चार। अब बात करें अपन पांच और छह की, तो ये दो ही बचे हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? दोबारा समझा देता हूँ। देखो चारों दिए हैं, इसका मतलब पहले वाला और तीसरे वाला अपोजिट होंगे, सेकंड वाला और चौथा वाला अपोजिट होंगे, बाकी दोनों बच गए एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ये क्या था, ओपन डाइस। ओपन डाइस में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अपने को ऐसे ही इसको क्या करना है, सोल्व करना है। आप जो है इसकी और प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चनों की। मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं अपन अगले, जो भी अपना प्रकार है, अपना टाइप है, उस पे चलते हैं। देखो दोस्तों एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्या दे दिया आपने, को क्या दे दिया, इस टाइप का कुछ दे दिया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, सेम तो वैसे किया था ना, इसमें भी वैसे ही करना है। ये नंबर मान लो लिखे गया, अब इसमें पूछ लिया कि ए के विपरीत क्या होगा, आपको ऑप्शन दिया हुआ है दो नंबर, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन बी आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है चार नंबर, ऑप्शन सी जो दिया है वो तीन नंबर, ऑप्शन डी जो दिया है वो छह नंबर। अब देखो कैसे करेंगे इसको अपन करेंगे। देखो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, तीन, सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा, तीन। आगे देख लो, दो के विपरीत पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, चार। अब क्या बच गए, अब बच गए छह और पांच, यानी एक के विपरीत कितना हो गया, तीन। ठीक है, दो के विपरीत कितना हो गया, चार। अब कौन सा बच गया, छह और पांच, तो छह के विपरीत क्या हो जाएगा, पांच। भाई छह और पांच ही तो बचा, समझ में आ गया? इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और अपने को क्या करना, ऐसे ही सोल्व करना। अब देखो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ना कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अपने को एक खुला पासा दे दिया है, और उसका अपने को चार ऑप्शन में दिए हुए हैं बंद पासे। अब तो देखो उसमें अपने को पता करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से हो सकता है। चलो देखो उस टाइप का क्वेश्चन भी देखते हैं। अपने को ये खुला पासा दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, ये अपने को क्या दिया हुआ है, एक खुला पासा दिया हुआ है। अब देखो इसके ऑप्शन कैसे कैसे, ऑप्शन ए की मैं बात, ऑप्शन ए की मैं बात करूं तो ऑप्शन ए में है ये वाला, ऑप्शन बी की मैं बात करूं ऑप्शन बी में कैसा दिया हुआ है, ऑप्शन सी की मैं बात, ऑप्शन सी अपने को कुछ क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। ऑप्शन डी की मैं बात करूं, ऑप्शन डी अपने को कैसे दिया, ऑप्शन अपने को डी ये दिया हुआ है। अब देखो दोस्तों इसको सोल्व कैसे करना है, अपने को क्या करना है, अपोजिट नंबर सबसे पहले ज्ञात करना है। अब देखो दो का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, चार, तो दो का विपरीत संख्या क्या हो गई, चार हो गई। एक का अपोजिट नंबर देखिए, एक का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा, अभी मैंने बताया था। और बात करें पांच का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि जिस पासे में दो दिख रहा है उसमें कभी भी चार नहीं दिखाई, क्योंकि अपोजिट नंबर्स दिखते नहीं है। ठीक है, तीनों फलकों में देख। अब देखो सबसे पहले ये चेक करो,
एक के विपरीत छह वाला, एक और छह दोनों इसमें आ रहे हैं तो ये तो विपरीत है तो आ नहीं सकते, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बात करें बी की, देखो बी में क्या है कि पांच और तीन क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो इसमें पांच और तीन एक दूसरे के अपोजिट है तो ये भी नहीं हो सकता। बात करें ऑप्शन सी की, तो सी में देखो क्या है, सी में क्या है दो और चार क्या है देखो अपोजिट है, और इसमें दो और चार दिए हुए, इसका मतलब ऑप्शन ये भी कट गया। कौन सा ऑप्शन बचा, ये वाला। देखो एक और तीन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एक और चार एक दूसरे के अपोजिट है नहीं है, तीन और चार एक दूसरे के अपोजिट है नहीं है, इसका मतलब आपको उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अपन देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है जो अगली क्लास में अपन देखेंगे, और अगली क्लास में अपना डाइस जो है पूरा हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, या कोई नया टॉपिक जो अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो कौन सा करना, तो वो भी कमेंट में आप जरूर बताइए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।